नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आप भी बहुत ज्यादा डिजिटल लेन देन करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हर कोई काम वर्चुअली करते हैं, बेसिकली पैसों का लेन देन आपका ज्यादातर इंटरनेट बैंकिंग के जरिए होता है, तो ये शो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ समय में ऐसे कई मौके आए हैं जब कई लोग डिजिटल फ्रॉड का शिकार हुए हैं, मतलब ऑनलाइन ठगी। वो आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी हो सकती है, वो आपके इंटरनेट बैंकिंग से भी हो सकती है। कोई साइट पर आप गए, कोई कॉल आपको आया, कोई एसएमएस आया और आप हो गए डिजिटल ठगी का शिकार। अब ऐसे में आज हम इसके एक और पहलू की बात करने वाले हैं, साइबर इंश्योरेंस। क्या साइबर इंश्योरेंस से ऐसे किसी ठगी से आपके नुकसान की भरपाई हो सकती है? साइबर इंश्योरेंस कितना पॉपुलर है भारत में और क्यों जरूरी है आपके लिए? ये तमाम पहलुओं पर चर्चा आज करते हैं। हमारे साथ जो आज एक्सपर्ट है उनका परिचय सबसे पहले कराएं। दीपक योहानन, सीईओ माय इंश्योरेंस क्लब। दीपक, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में आज, और बहुत ही ये जरूरी टॉपिक है हम सबके लिए, इसलिए भी क्योंकि पिछले कुछ समय में और शायद जो भी हाल फिलहाल का डेटा है, जो आंकड़े हैं दीपक, वो यही कहते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट मैं अगर कुछ डेटा को कोट ही करूं तो 2018 में लगभग 2,00,000 साइबर फ्रॉड हुए थे, तो वहीं 2021 में इसमें 7 गुना बढ़ोतरी हुई, लगभग 14,00,000 साइबर फ्रॉड यहाँ पर दर्ज किए गए। चाहे फिर वो एटीएम हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, कहीं पर भी जो साइबर ठग है वो लोगों को चूना लगाने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। और लगभग जो आंकड़ा कह रहा है, जो अलग अलग बैंकों से एकत्रित किया गया आंकड़ा है, वो ये कह रहा है कि इन तमाम फ्रॉड्स में दीपक लगभग 63 करोड़ रुपए का नुकसान लोगों का हुआ है। इन सब आंकड़ों के बाद ये कहने का मतलब ये हुआ कि क्या वाकई हम हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति अब बहुत ज्यादा सजग हो गए हैं कि हाँ हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। लाइफ इंश्योरेंस हम सभी लेते हैं, पर साइबर इंश्योरेंस, क्या वाकई हम इसको लेकर काफी ज्यादा अलर्ट हैं, सजग हैं? तो साइबर इंश्योरेंस अभी तक तो इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है। इसका एक कारण है कि जनरली इंडियंस को इंश्योरेंस की तरफ पुश करना पड़ता है, तो साइबर एक नया कैटेगरी आया है तो उसका अवेयरनेस भी बहुत कम है। अभी लाइफ और हेल्थ में ही हम बहुत पीछे हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। और साइबर इंश्योरेंस एक नया कैटेगरी आया है, प्रोडक्ट्स भी अभी बनना शुरू हुए हैं, और अभी तक ज्यादातर लोग प्रोटेक्शन के लिए या तो बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनी, या अगर ऑफिस में हुआ है तो ऑफिस के प्लान्स की तरफ देखते हैं। इंडिविजुअल प्लान्स बहुत ही कम लिए जाते हैं साइबर इंश्योरेंस के द्वारा। तो मुझे लगता है और थोड़ा टाइम लगेगा जहां पीपल जहां लोग इस पे इन्वेस्ट करना शुरू करें। प्लान्स काफी सस्ते हैं और काफी अच्छा कवर देते हैं आपको, नॉट जस्ट फाइनेंशियल लॉस कवर करने के लिए, बट जो प्रोसेस होता है, लीगल कॉस्ट होते हैं, जो आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, उसके बाद जितना कम्युनिकेशन है उसके कॉस्ट भी आपको इस इंश्योरेंस प्लान में कवर होता है। तो नेट नेट मेरे हिसाब से अवेयरनेस और अभी तक लोगों को वो बहुत जरूरी नहीं लगता है, इसीलिए मुझे लगता है कि प्लान्स कम, लोग कम अवेयर है एंड हेंस कम खरीदते हैं। बिल्कुल, अवेयरनेस क्योंकि आप कह रहे हैं कम है, ज्यादा पॉपुलर नहीं है, शायद जो कॉर्पोरेट साइबर इंश्योरेंस है वो कंपनी ज्यादा बढ़ चढ़कर लेती है क्योंकि उनके पास एक लार्जर एरिया होता है टू केटर, बट जो हम पर्सनल या इंडिविजुअल लेवल पर कह रहे हैं तो शायद बहुत ही कम लोग हैं जो साइबर इंश्योरेंस लेते हो, पर मकसद यही है थोड़ा बहुत लोगों को अवेयर करना बेसिकली कि साइबर इंश्योरेंस होता क्या है और उसमें कवर क्या क्या होता है। अब क्योंकि जैसा शुरुआत में हमने कहा था कि साइबर स्पेस, ये वर्चुअल स्पेस एक अलग ही दुनिया है और इसमें अगर कोई ठगी का शिकार हो जाता है तो बहुत आसानी से मालूम नहीं चलता है कि एक्चुअली वो जो हैकर था वो बैठा कहाँ पर था, और उसको पकड़ना बेहद ही मुश्किल हो जाता है आजकल के टाइम में। तो ऐसे में जो साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी होती है दीपक,
उसमें शामिल क्या क्या होता है ये आपसे समझना बेहद जरूरी है, जिससे कि एक जो इंडिविजुअल है जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्हें समझ में आए कि हाँ उन्हें फायदा क्या होगा ऐसे ऐसी किसी पॉलिसी से। तो दो पहलू है, एक तो कि आपको अगर फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो एक आप बैंक का असिस्टेंस ले सकते हैं, उसमें भी एक लिमिट होता है कि कितना आपको कवर दिया जाएगा। तो फाइनेंशियल लॉस के लिए एक हद तक आप कवर कर सकते हैं, मगर आपके द्वारा, जैसे मान लीजिए आपका कुछ आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया है और उसके कारण किसी और को नुकसान हो गया है, तो उसमें काफी लीगल कॉस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं, वो भी कवर हो जाता है। आपका मान लीजिए आपके अकाउंट्स के सारे डिटेल्स वाइप आउट कर दिए गए, आपका हार्डवेयर को डैमेज कर दिया गया है, आपके घर के जो अप्लायंसेस है उसको अगर रिप्लेस करने की जरूरत पड़ रही है, तो वो सब आपको फाइनेंशियल तरीके से भी आपको इस प्लान से बेनिफिट हो सकता है। तो ब्रॉड कैटेगरी, मान लीजिए आप सोशल मीडिया में किसी ने आपको कुछ आपका अकाउंट हैक कर लिया और कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण आपको फाइनेंशियल जुर्माना भरना पड़े, या ऐसा कुछ लिख दिया जिसके कारण आपके खिलाफ किसी ने केस कर दिया, तो उसके भी लीगल कॉस्ट हो सकते हैं। एंड इनफैक्ट वही होता है कि अगर कोई आपका अकाउंट हैक करता है तो किसी कारण से हैक करता है, स्पेशली सोशल मीडिया, ताकि वो कुछ गलत कर सके, तो वो गलत अकाउंट आपके अकाउंट से हुआ है, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये नहीं हुआ है, तो उसमें आपने नहीं किया है, तो उसमें लीगल कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो वो सब भी ये कवर करता है। और ऑफकोर्स आपके अकाउंट डिटेल्स, जो मान लीजिए स्ट्रेट फाइनेंशियल लॉस है जिसमें बैंक में स्वाइप करके या आपका कार्ड स्वाइप करके पैसे निकालेंगे, वो भी इस प्लान में कवर होता है। तो ब्रॉडली आपका आइडेंटिटी, वेदर ऑन सोशल मीडिया या बैंक अकाउंट एंड फाइनेंशियल लॉसेस, ये दोनों ब्रॉडली कवर होते हैं। एंड अगर कोई हार्डवेयर लॉस हुआ हो, मान लीजिए आपका कंप्यूटर या घर पे जो डिवाइसेस हैं उनको वाइप आउट कर दिया गया, आपका डेटा वाइप आउट कर दिया है, तो उसमें अगर कोई कॉस्ट इन्वॉल्व है तो वो भी रिकवर कर सकते हैं आप इस प्लान के थ्रू। ओके, तो कई सारे फाइनेंशियल फ्रॉड अगर आपके साथ होते हैं, जिसके एक पूरी लिस्ट है जो हम आपको दिखा भी रहे हैं और जो बताया भी दीपक ने कि क्या क्या कवर होता है यूजुअली एक किसी एक पर्टिकुलर साइबर इंश्योरेंस प्लान में, ये तमाम वो लिस्ट है इंक्लूजन जिनको कहते हैं जो आप क्लेम कर सकते हैं आपके किसी भी साइबर फ्रॉड के केस में। पर ऐसे भी कुछ केसेस हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये इतना बड़ा यूनिवर्स है कि बहुत ही अजीब और विचित्र किस्म के साइबर फ्रॉड होते हैं आजकल दीपक, पर ऐसे कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, मतलब ऐसे कौन से फ्रॉड है जो कवर नहीं होते हैं साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी में? तो जनरली ऑल काइंड्स ऑफ कवर्स इस पे कवर हो जाते हैं। तो उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि आप बेसिक हाइजीन आप कवर करोगे, आपका अगर क्रेडिट कार्ड है तो आप उसको पिन नहीं दोगे, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो आप उसको अपडेट करोगे, आप अपने तरफ से कुछ गलत काम नहीं करोगे, आप नोइंगली अगर आप कुछ गलत करते हो और वो नुकसान हो जाता है तो उसका कवर आपको इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगा। सो वो आपको स्पेसिफिकली वही चीज आपको ध्यान रखना है कि आप जानबूझ के अगर कुछ गलती करते हो उसका जुर्माना इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं देगा। तो बेसिक एक्सक्लूजन यही है, वेदर इट इज फाइनेंशियल लॉस हैपनिंग या अगर आप अपना अकाउंट डिटेल्स विलिंगली किसी को दे देते हो, तब आपको क्लेम करने में दिक्कत हो सकती है। ओके, अभी जैसा आपने कहा कि इतना पॉपुलर नहीं हुआ है इंडिया में साइबर इंश्योरेंस, बेसिकली जो इंडिविजुअल साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी है, मैं इनफैक्ट दर्शकों को दिखाना चाहूंगी जो अभी कुछ पॉपुलर जो साइबर इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं अभी अवेलेबल मार्केट में, जिससे आप ले सकते हैं अपने लिए कोई भी साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी विदाउट एनी प्रायोरिटी नंबर। कुछ प्लान्स हैं जैसे बजाज ऑलियंस का प्लान है, HDFC अर्गो का प्लान है, ICICI लोम्बार्ड एक प्लान देती है साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी का, फ्यूचर जनरल आई का भी एक प्लान है जो हम देख पाते हैं। ये इंश्योरेंस प्लान भी अभी हम आपको दिखाएंगे कौन से प्लान्स हैं ये। इसमें यूजुअली सबसे पहले जो इंडिविजुअल है वो पूछते हैं कि प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, हमें कहीं प्रीमियम का बोझ तो नहीं पड़ेगा हम एक एडिशनल पॉलिसी जोड़ ले, सिंस ज़्यादा प्रायोरिटी लोग साइबर इंश्योरेंस को नहीं देते हैं। पर आमतौर पर एक प्रीमियम एक पर्टिकुलर प्लान का लगभग कितना पड़ सकता है किसी को?
सो ये प्लान्स बहुत ही सस्ते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल है। आपको लगभग 1 लाख से लेके आप 1 करोड़ का कवर ले सकते हैं, और 1 करोड़ का कवर आपको सिर्फ सालाना 10,000 रुपए का प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है, और आप 1 लाख का लोगे तो ऑलमोस्ट लेस देन 1,800 रुपीज में आपको ये कवर मिल जाता है। तो एक्चुअली प्लान्स काफी अफोर्डेबल है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो बहुत ही अट्रैक्टिवली प्राइस किया गया है। करेक्ट, तो 1 लाख का आपको ऑलमोस्ट लेस देन 1,000 रुपीज में आपको मिल जाता है ये प्लान। प्लीज यस यस, आपने बोला कि 1,000 से के लगभग आपको प्लान ये पड़ेगा सालाना। इनफैक्ट कुछ प्लान्स भी हैं, अगर मानिए आप 1 लाख का लेते हैं साइबर इंश्योरेंस कवर, तो उसमें आपको अराउंड 700 से लेकर 2,000 तक के, एज जो अलग अलग कंपनी उनकी पॉलिसीज हैं या उनके जो प्लान्स हैं उसमें जो इंक्लूजन होंगे उसके तहत मिलता है। पर लगभग कितने तक का साइबर इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि साइबर ठगी का अगर कोई शिकार होता है उसमें तो लोगों को लाखों तक का चूना भी लग जाता है। माने किसी का डेबिट कार्ड क्लोन कर लिया, या किसी का इंटरनेट बैंकिंग हैक कर लिया, किसी का बैंक अकाउंट ही अगर मानिए अगर हैक कर लिया, तो साइबर ठगी का तो बहुत ही गंभीर शिकार कोई हो सकता है। लोगों को तो लाखों के नुकसान हुए हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे साइबर इंश्योरेंस प्लान, क्योंकि अगर प्रीमियम इतना सस्ता है तो कितना तक का लेना सही है? तो जस्ट एक मिनट बिफोर, पहले प्रीमियम में घुसने के पहले या इंश्योरेंस प्लान लेने के पहले, आप अपना डिजिटल बैंकिंग को थोड़ा सेफ करें, हर एक ट्रांजैक्शन पे लिमिट रखें। तो अभी ऑलमोस्ट सारे इंश्योरेंस, सारे क्रेडिट कार्ड कंपनीज और बैंक अकाउंट्स आपको एक डेली लिमिट सेट करने का एक फैसिलिटी देते हैं, जो आप अपने बैंक अकाउंट पे जाके कर सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड में आप जाके बता सकते हैं कि ऑनलाइन है तो 25,000 तक ही आप दिन का कर सकते हैं, या एक स्वाइप है तो वो 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप ऑटोमेटिकली अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और काफी कंपनीज हैं जो अभी ऐप में आपको रियल टाइम ये करने देता है, आप अपने लिमिट्स को रियल टाइम सेट कर सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस नहीं होने चाहिए मेरे क्रेडिट कार्ड पे या बैंक अकाउंट पे। तो उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ये आप प्रिवेंट कर सकते हो। अगर नुकसान हुआ भी तो आपने अगर लिमिट 25,000 का रखा है तो 25,000 तक आपको पता चल जाता है कि प्रॉब्लम हुआ है, और आप बैंक को बोल सकते हैं कि मेरा कार्ड को ब्लॉक कर। तो मेरे साथ हुआ था, मेरे खुद के क्रेडिट कार्ड पे मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया था और फोन हाथ में है और मुझे दिख रहा है कार्ड स्वाइप होता जा रहा है, और वो छोटे छोटे अमाउंट्स में करके पूरा क्रेडिट लिमिट वाइप आउट कर दिया है। बट फॉर्चुनेटली क्रेडिट कार्ड कंपनी को मैंने जब प्रूफ दिखाए, और ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन थे, और ये मैं 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब ये फैसिलिटीज नहीं थे कि आप लिमिट्स रख सकते हो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे, या दुकान पे कोई स्वाइप कर रहा है तो भी आप डिफाइन कर सकते हो कितने अमाउंट का रखना चाहिए। तो ये तो रहा आप किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कितना रखना चाहिए। तो ब्रॉडली आपका कार्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रेडिट लिमिट तक का आप एटलीस्ट कवर लीजिए। 5 लाख का अगर आपके क्रेडिट कार्ड पे लिमिट है तो वो रखिए, और अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन है और आप बैंक अकाउंट को सेव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप है कि आप बैंक को जाके अपना लिमिट रखिए, एक डेली लिमिट रखिए, ताकि उससे ज्यादा जान निकल ना पाए, और मे बी उसका 5 टाइम्स का एक कवर लीजिए कि आप कहीं बाहर गए हुए हैं और आप बैंक को कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या वर्स्ट केस आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं कुछ, मतलब आप अपना अकाउंट या अपना फोन नंबर या फोन को भी एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो 5 से 10 दिन जो लिमिट रखें उतना का कवर लें आप। ओके, ये आपने काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी कि जितना, जैसे मानिए क्रेडिट कार्ड है उतना, जिसका क्रेडिट लिमिट है लगभग उतने तक का आपके पास एक साइबर इंश्योरेंस होना चाहिए, इतना आप अपने लिए एक थ्रेश होल्ड रख सकते हैं, ये एक आइडिया आपके लिए काफी है। पर क्लेम करना आसान है, जैसा अभी आपने बोला कि माने कोई किसी के साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, हमारे दिमाग से निकल जाता है कि हमें तो बैंक को तो चलिए बता ही देते हैं, पर पुलिस में भी रिपोर्ट करानी पड़ती है, क्योंकि जब आप क्लेम करेंगे तो FIR की कॉपी इंश्योरेंस कंपनीज आपसे मांगती है कि आपने कौन सा FIR किया या उसके बाद आपने कौन कौन से स्टेप लिए। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स और क्लेम प्रोसेस वो कितना आसान है इसमें? इंश्योरेंस कंपनीज इतना इंश्योर करना चाहते हैं कि आपने खुद नहीं किया है, और अगर जेन्युइन फ्रॉड है तो इंश्योरेंस कंपनीज आपको क्लेम दे देती है। दैट इज मेरा एक्सपीरियंस अभी तक वैसा ही रहा है।
आपको मतलब तंग करने का उनका उद्देश्य नहीं है। तो अगर जेन्युइन फ्रॉड है वो उनको पता चल जाता है, काफी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, आईपीज है कहां से ये ट्रांजैक्शन किया गया है। तो अगर इंटरनेशनल है तो आपके पासपोर्ट का कॉपी मांगेंगे, और अगर पासपोर्ट पे दिख जाता है कि आप इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर रहे हो तो बड़ा क्लियर हो जाता है कि कहीं कोई दुकान में स्वाइप हुआ है, नहीं तो आईपी इंटरनेशनल है। तो आई डोंट थिंक डॉक्यूमेंटेशन में इंश्योरेंस कंपनी आपको तंग करेंगी। आप अगर जेन्युइन क्लेम है तो आपको ज्यादा डिफिकल्ट है। मनी गुरु में अब हम बात करेंगे कि आप अपने लिए एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले आज के हमारे जो दूसरे गेस्ट है उनका परिचय करा दें। हमारे साथ फिनवे के सीईओ रचित चावला हैं। रचित, आपका स्वागत करते हैं मनी गुरु में। और क्योंकि इतनी सारी कंपनीज इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसीज बाजार में लेकर आई हैं, स्पेशली जब से हेल्थ इंश्योरेंस में लोगों की रुचि बढ़ी है, लोगों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि उनके लिए पॉलिसी कौन सी अच्छी है। हालांकि कई लोगों के पास बहुत सारी पॉलिसीज हैं, फिर भी इतना पेनिट्रेशन इंश्योरेंस का भी क्योंकि हुआ नहीं है, इसलिए दायरा बढ़ाने के लिए अभी भी लोग ले रहे हैं। इसलिए हम मदद करेंगे आपके जरिए उनकी कि एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। इनफैक्ट कई लोग हमसे पूछते हैं कि जो हमारा इंश्योरेंस का कवरेज अमाउंट होता है, माने जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, तो मेरे लिए वो आइडियल अमाउंट कौन सा होगा जिसको ध्यान में रखते हुए मुझे एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है। देखिए, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है, बिकॉज आफ्टर कोविड हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस बन चुका है एंड बहुत नेसेसरी है ये सबके लिए लेना, बिकॉज कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन भी बहुत बढ़े जा रही है। जहां तक कवरेज रेशियो की बात है, इट विल डिपेंड कि वो किस लोकेशन में रहते हैं, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, आपको अगर कोई बीमारी होती है तो आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाओगे। अगर वो हॉस्पिटल दिल्ली जैसी जगह पर है तो आपको कवरेज रेशियो थोड़ा ज्यादा लेना चाहिए, बिटवीन 5-6 लाख रुपीज, क्योंकि दिल्ली में हॉस्पिटल महंगे होंगे। बट यही अगर आप कोई tier 2 tier 3 सिटी में है तो हॉस्पिटल का खर्चा अकॉर्डिंगली कम रहेगा, तो आप 3-4 लाख की कवरेज ले सकते हैं। बट कवरेज लेते हुए आप ध्यान दीजिए कि आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको कितने कवरेज की जरूरत रख सकती है, आपका हेल्थ का सिचुएशन क्या है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको हेल्थ कवरेज अकॉर्डिंगली ज्यादा रखनी चाहिए। अगर आप एक यू नो यंग एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं तो आप अकॉर्डिंगली कम कवरेज रेशियो भी ले सकते हैं। बट इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस क्राइटेरिया, किस लोकेशन में है, एंड एज पर योर नीड आप कवरेज रेशियो ले सकते हैं। बिल्कुल, तो कवरेज रेशियो आप कह रहे हैं कि उम्र हो गया, शहर हो गया, और आपकी जो इनकम है उसके हिसाब से भी लेना जरूरी है। सम इंश्योर्ड की जब बात होती है यहाँ पर रचित, तो एक सिंगल एज कंपेयर टू समवन जो कि शादीशुदा है और जिनके बच्चे हैं, वहां पर भी सम इंश्योर्ड में एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है, क्योंकि लाइबिलिटीज जब बढ़ जाती हैं तो आपको अपने फैमिली को भी जोड़ना पड़ता है अपने पॉलिसी में। एब्सोल्युटली, तो मेरी रेफरेंस हमेशा प्रेफरेंस रहती है कि हम फैमिली, अगर आपकी है, आप शादीशुदा है, आपके बच्चे हैं, तो सम एश्योर्ड आपको हमेशा फैमिली का लेना चाहिए इन कंपेयर टू इंडिविजुअल। अगर आप 4 इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं वो आपको बहुत महंगी पड़ेंगी, बिकॉज सब में बेसिक कॉस्ट एलिमेंट एडेड होएगा। बट अगर आप एक फैमिली पैकेज लेते हैं तो आपको वो बेनिफिट पास ऑन हो जाता है। तो ऑलवेज सिंगल से बेटर रहेगा यू नो डबल, डबल से बेटर रहेगा फैमिली। तो जितना लंबा पैकेज, जितना बड़ा पैकेज लेंगे उतना आपको कॉस्ट इफेक्टिव ज्यादा पड़ेगा। हमने ड्यूरिंग कोविड हम देखा यहाँ पर रचित की कंपनीज का जो क्लेम है, क्लेम सेटलमेंट काफी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली लोगों ने बहुत ज्यादा क्लेम किए कोविड के टाइम पर। तो क्लेम सेटलमेंट रेशो कितना बड़ा पैमाना है किसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदने से पहले देखने का? देखिए, मेरे हिसाब से क्लेम सेटलमेंट रेशियो शुड बी नंबर 1 प्रेफरेंस। उसका रीजन क्या है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो को समझते हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो एक ऐसा रेशियो जो बताता है कि इस कंपनी के पास कितने क्लेम्स आए और उन्होंने कितने अप्रूव करके उन कस्टमर्स को उनके पैसे वापस करे या हॉस्पिटलाइजेशन के बिल को पे किया।
सपोज किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99% है, तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर उनके पास 100 बिल्स आए हैं, 99 उन्होंने क्लियरली पे किए हैं, बट ये ही अगर किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 92% है, वो ये बताता है कि 92 बिल्स तो क्लियर हुए हैं, 8 बिल्स को उन्होंने रिजेक्ट किया है। सो एज अ कंज्यूमर, जो भी इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो जितना ज्यादा है, दैट मीन्स इतना इजिली क्लेम वो पास कर रहे हैं, उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए, बिकॉज कल को हो सकता है कि आप भी क्लेम लेने के लिए उस इंश्योरेंस कंपनी के पास जाए, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है कि आपका क्लेम पास होएगा, वो हायर क्लेम रेशियो वाली कंपनी में इजीली पास हो जाएगा। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, एंड आजकल तो ये वेबसाइट्स पर क्लियरली मेंशनड है, IRDA का रूल है कि हर एक कंपनी को अपना क्लेम सेटलमेंट रेशियो टाइम टू टाइम अपडेट करना है, तो कस्टमर इजीली इंटरनेट पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल, और जैसा कि हम यूजुअली रचित किसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में देखते हैं कि रिटर्न कितना जनरेट हो सकता है उस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में, जब हम इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रीमियम भी देखना उतना जरूरी है क्लेम सेटलमेंट रेशो के साथ साथ, कि पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का दूसरे उसी काउंटर पार्ट प्रोडक्ट से प्रीमियम कितना सस्ता है जो वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट कोई एक इंडिविजुअल ले सके। एब्सोल्युटली, बिकॉज प्रीमियम इज जो आपकी पॉकेट से पैसा जा रहा है फॉर दैट हेल्थ इंश्योरेंस, तो प्रीमियम इज नथिंग बट द अमाउंट जो आप पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को आपको हेल्थ कवर करने के लिए। अब सपोज करिए 3 इंश्योरेंस कंपनीज है जिनका तीनों एग्जैक्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, एंड सेम फीचर्स के साथ सेम हॉस्पिटल्स को कवर करते हुए तीनों कंपनीज अलग अलग प्राइस दे रही है प्रीमियम के फॉर्म में। एक प्रीमियम है 1 लाख रुपीज का, दूसरा है 90,000 का, एंड तीसरा है 1,10,000 का। सिंस फीचर्स बिल्कुल सेम है, हॉस्पिटल सेम कवर्ड हो रहे हैं, क्लेम सेटलमेंट सेम है, तो ऑफकोर्स 90,000 वाले पे जाना चाहिए, बिकॉज वो आपको ऑलरेडी एक बेटर प्राइस में सेम इंश्योरेंस फैसिलिटी दे रहा है, तो आप कॉस्ट अपनी सेव कर रहे हैं, बिकॉज ये कॉस्ट वन टाइम नहीं है, ये आपको एवरी ईयर देनी पड़ेगी। तो इट्स बेटर कि आप प्रीमियम जरूर देखिए, उसके फैसिलिटीज देखिए, फीचर्स देखिए, एंड अकॉर्डिंगली चूज करें। बिल्कुल, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो शायद हम कई बार नजरअंदाज कर देते रचित, वो ये है कि हर एक इंश्योरेंस पॉलिसी में नेटवर्क हॉस्पिटल्स का एक पूरी लिस्ट लिखी होती है कि कहां कहां पर आपको कैशलेस फैसिलिटी मिलेगी, कहां पर आप रीइंबर्स करा सकते हैं, क्योंकि कैशलेस फैसिलिटी में आपको अपफ्रंट कुछ देने की जरूरत नहीं और काफी ज्यादा स्मूथ पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो नेटवर्क अस्पताल का दायरा कितना हो और कैसे पता चलता है? देखिए, आप जिस एरिया में रहते हैं, आपको कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके एरिया के हॉस्पिटल जरूर उस नेटवर्क हॉस्पिटल में कवर होए, प्लस एक बड़ा हॉस्पिटल जो भी आपके एरिया से नियरेस्ट है वो भी जरूर कवरेज में होना चाहिए। ये सारी चीजें आप पॉलिसी लेते वक्त आप अपने एजेंट से ले सकते हैं। अगर आप एजेंट के थ्रू नहीं कंपनी से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, तो कंपनी आपको प्रोवाइड करेंगी। प्लस जब आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी आती है, उसमें भी ये सारा नेटवर्क मेंशनड होता है। अगर आपको लगता है कि आपने गलत इंश्योरेंस ले लिया है और आपके हॉस्पिटल्स उस नेटवर्क में आ ही नहीं रहे हैं, तो IRDA के थ्रू एक और स्कीम है कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर आप इंश्योरेंस को कैंसिल भी करवा सकते हैं, विच मीन्स फ्री लुक पीरियड। तो आपके पास हर एक तरीके का एक्सेस है, आप कस्टमर केयर पे भी बात कर सकते हैं, इंटरनेट पे भी जानकारी ले सकते हैं, कंपनी एंड एजेंट से भी ले सकते हैं। बट नेटवर्क हॉस्पिटल का दायरा, जैसे आपने कहा, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कैशलेस नहीं होएगा तो पूरा पर्पस डिफीट हो जाता है हेल्थ इंश्योरेंस लेने का। और किसी को कोई हेल्थ प्लान लेना है, उससे पहले प्लान का रिव्यू देखना कितना इम्पोर्टेंट है कि उस प्लान को कितने लोगों ने पसंद किया है या उनका फीडबैक क्या है? बिल्कुल जरूरी है ये भी। आपको इन्फॉर्मेशन जितनी ज्यादा आप लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जो भी रिव्यूज आ रहे हैं उसमें मैं मानता हूँ कि काफी जेन्युइन रिव्यूज भी है, तो आपको वो रिव्यूज पढ़कर अकॉर्डिंगली कॉन्शियसली डिसीजन लेना चाहिए। जितनी भी कंपनीज है उसका डेटा आपको एक बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि रिव्यूज और डेटा जनरली आपस में मैच करते हैं। ऐसा नहीं होएगा कि एक जगह पर रिव्यू है नेगेटिव जबकि क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत हाई है। तो अक्सर मैंने ये देखा है कि रिव्यूज भी काफी जेन्युइन है,
मैन्युपुलेट नहीं कर सकती इंश्योरेंस कंपनीज, इसीलिए इट्स बेटर कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त रिव्यूज की भी जांच ले, रिव्यूज को देखकर कॉन्शियसली ढंग से डिसीजन ले जो आपका जिसमें फायदा हो। बिल्कुल, तो कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसी जरूरी बातें जो आपको रखनी है ध्यान कोई भी अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले, और इस पर चर्चा करने के लिए रचित आप हमारे साथ शो में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद करेंगे आपका। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही, पर अगर आपके मन में भी है कोई सवाल हमसे जरूर पूछिए। हमारे जो डिटेल्स हैं आपको टेलीविजन सेट्स पर दिखा देते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल भेजिए पूरे नाम के साथ और अपने फोन नंबर के साथ, उसके अलावा ट्विटर हैंडल और ईमेल आईडी moneyguru@zmedia.slgroup.com पर अपने सवाल भेजिए।